आपने पिछली वीडियो में देखा होगा इनको, और ये आरजेडी के सपोर्टर थे, बीजेपी को विरोध कर रहे थे, और ये फिर से मिल गए हैं। अब इन्होंने पार्टी बदल लिया कि आप एक महीना पहले थे आरजेडी के सपोर्टर, अब आप हो गए बीजेपी के सपोर्टर। देखिए, आप बोलते थे कि नीतीश कुमार पलटू हैं, तो आप भी तो पलटू हो गए हैं। आप कहने मत, मेरा सुनिए, यही बीजेपी क्या कर रहा था चिराग पासवान को, दो सीट एक सीट, दो सीट एक सीट कर रहा था। जो चिराग पासवान 2014 से 2024 तक का संगे है, नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बना, उसको दे रहे हैं 16 सीट क्या, और चिराग 2-3 सीट कर रहे थे। वो बड़ी पार्टी है ना अंकल, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, मान लीजिए हमारा पेट पर लात मार के भाग गए हो और फिर मेरे ही आयो, तो तुमको इतना दर्जा हम देंगे। मान लीजिए सीट दे दिया, ठीक है, वहाँ से जीता ही नहीं, तो बीजेपी फिर 400 पार कैसे करेगी। देखिए, अभी चिराग को 5 सीट दिया ना है बीजेपी, 5 में 5 निकाला चिराग, समझ रहे हैं। आई में जय जू का कुछ जहाँ जितने लायक था वहाँ दिया, कहीं से देगा जीत जाएंगे। अच्छा, कहीं से भी जीत जाएगा, जीत जाएगा, पार्टी के नाम पर जीतेगा, कुछ अपना चेहरा जीतता है पार्टी के नाम पर जीतता है आदमी, चेहरा नहीं जीतता है, पार्टी के नाम पर जीतता है आदमी। तो इसलिए 40 में 40 बिहार में जा रहा है बीजेपी का, 40 में 40 में कुछ दो राय नहीं, कन्फर्म है। अंकल ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि 40 में 40, इससे पहले भी बिहार ने 40 में 39 सीट दिया बीजेपी को, बिहार के लिए क्या किया अंकल ये बताइए। देखिए, बिहार में पहले तो नीतीश कुमार का सरकार था, नहीं बीजेपी के साथ भी रही, पहले मेरा सुनिएगा था ना, पहले था, पहले सिंगल बीजेपी का नहीं था, पहले नीतीश कुमार का सिंगल था, तो 5 साल काम किए। अच्छा, अब जैसे पलटी उल्टी मारते रह गए ना, तो विकास कोई नहीं हुआ बिहार में, कि मैंने कंपनी एक भी नहीं आया, हॉस्पिटल देख लीजिए, एम्स। अंकल जो एमपी होते हैं, ठीक है, 39 MP यहाँ से हैं, ठीक है, बिहार से, वो नीतीश कुमार इधर पलट जाए लेकिन एमपी का साथ जो है वो नहीं जाता, ये आपको पता है, ठीक है। तो इतने एमपी हम लोगों ने दिया बिहार से, हम लोग को क्या मिला उसके बदले ये बताइए। देखिए, बिहार में तो ऐसा थोड़ा देखा जाए तो बिहार में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन अभी वहीं आप देखें तो गुजरात ने 26 MP दिया, जैसा कि प्रशांत किशोर हमेशा कहते रहते हैं कि हम लोगों ने तो 39 MP जिता के भेजा भाई, गुजरात के लोगों ने 26 MP, वहाँ अभी बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी भर मोदी जी को चांस देने के लिए बिहार के लोग चाह रहे हैं, अभी भर काम नहीं हुआ बीजेपी का, चांस तो दिया ना पहले, पहले भी दिया, सुनिए ना मेरे बात, पहले समझ लीजिए, अभी भर देख लेता कि हेडिक मार देता है, कहीं बिहार में के लिए काम नहीं हुआ तो फिर सत्ता से बेदखल हो जाएंगे बिहार से, फिर 5 साल बहुत होता है ना। अब देखिए, मान लो 5 साल है कुछ भी नहीं, तो है तो बहुत कुछ है, तो कहने लगे 5 साल फिर देखता है मोदी जी को क्या कहते हैं नहीं कहते, उसके बाद देखा जाएगा 2029 में, नहीं विकास भी बिहार में विकास होगा तो फिर अपना फिर। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी का, ठीक है, तो मोदी जो है बिहार के लिए 10 साल रहे ना, 10 साल में एक बार भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए मीटिंग किया हो, तो एक बार भी, हम लोगों ने 39 MP जिता के भेजा है, ठीक है, तो नहीं किया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप। देखिए, अब तो फिर से हम वही कर रहे हैं जो 10 साल कर चुके हैं, फिर से हम वही करना चाह रहे हैं, तो टिप्पणियाँ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अब चांद देख के देखते हैं उसके बाद अपना 2029 तक ला, तो फिर से चांस देना है। हाँ, फिर से चांस देना है, अकेले कोई स्टेट की नहीं कर सकता है मीटिंग, PM कोई स्टेट की नहीं कर सकता, राज्य सरकार है, राज्य सरकार को सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपना स्टेट चमकाने के लिए। आप कहते हैं आपके बिहार के नहीं कुछ किया, बिहार के लिए क्या ना किया, बिहार में आपको बहुत सा अच्छे से हॉस्पिटल खुला। कौन सा हॉस्पिटल अंकल? एम्स पहले थी एम्स, सुन लीजिए, एस राय, अब ये बिहटा में है, क्या क्या एस राय, वो है, अब अच्छे अच्छे आपको रोड बन रहा है, बिजली नहीं कटती है बिहार में, नहीं तो पहले क्या, तो नीतीश कुमार की देन है, वही तो कर रहे हैं दोनों, मतलब पहले सेंटर से संडे को पैसा नहीं मिलता था, अब सेंटर से संडे को पैसा बिहार को मिलता है, अब कैसे कहते नहीं कि कुछ विकास हुआ, पहले जंगल राज था, बेड डूबे के बाद बेड डूबे तो हम चाहता था घर पहुंच जाए, अब है कि भर रात चलता है, ये बीजेपी की देन है। हाँ, बीजेपी की देन है या फिर नीतीश कुमार की देन है जदयू की, तो बीजेपी नीतीश कुमार दोनों तो एक ही है, 2 महीना उधर है 6 महीने, तो उससे क्या होगा, वो तो जाते हैं देखे ना कि थोड़ा नहीं पहले नीति तेजस्वी के लेकर अवसंग मारा पीटा कर, मेरा कौन क्या करेगा, मेरा राज है, बोलिए, जब ये लोग आते हैं जब कुछ सब कुछ होता है।
मैं अंकल बोल रहा हूँ कि बिहार के विकास के लिए क्या क्या ये बताइए। बिहार के विकास से जहाँ जहाँ कंपनी लगी रही है, नहीं विकास होता तो जहाँ 10,000 में जगह बिकने वाली 10 लाख में नहीं बिकता। क्या क्या खेत होते 10,000 में बिकने वाली 10 लाख बिक रहा है। ये तो अंकल कोई सरकार रहे ना रहे, ये प्रॉपर्टी का दाम हमेशा बढ़ते रहता है। अगर आपको कहीं पर विकास की संभावना है वहीं पर आपका रेट बढ़ता है। मैं अंकल कह रहा हूँ विकास की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए वो हो कि ना हो, प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज होता है जिसका दाम सब दिन बढ़ते रहता है। ये आपको पता है मतलब कि हर काम, मतलब कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 70 साल में तो घबरा में ढकेल दिया। आप मतलब 70 साल में क्या किया? घबरा में ढकेल दिया। कैसे कैसे क्या कौन ऐसा काम कांग्रेस ने 70 साल अच्छा किया है? अंकल जो आप एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं उनका देन है, IIM सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है उनका देन है, IIT उसका देन है, इसरो उनका देन है। आयुष्मान कार्ड योजना मोदी सरकार ने लागू किया है। तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है हॉस्पिटल में अंकल? है एप्लीकेबल ही नहीं है सारे हॉस्पिटल में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सिर्फ उसी में है कि नहीं है? बोल रहा हूँ सर, हम भी एम्स में इलाज करवाए हैं। हाँ, तो हमको भी हुआ है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में है? हाँ, तो बड़े तो छोटा तो चोरवा लेके भाग जाएगा। एम्स में तो अंकल ऐसे भी फ्री में इलाज होता है? नहीं फ्री में कहीं नहीं होता है, फ्री में कहीं नहीं होता। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है बड़ा बड़ा, वहाँ फ्री में इलाज होता है? कहीं नहीं होता है, PM से फ्री में होता है। कौन कहता है फ्री में होता है? लगभग फ्री में ही होता है। नहीं दो चार दवाई देगा, पूरा दवाई बाहर से देगा, कहाँ इलाज नहीं करवाए जी, ये हमको मत चाहिए। तो अंकल मैं बोल रहा हूँ एम्स सिर्फ पटना में, बिहार में पटना में एम्स, ठीक है, जो पूर्णिया के लोग हैं ठीक है, और वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं आयुष्मान कार्ड, वो क्या करेगा? देखिए पहला बार लोग यहाँ आ रहे हैं, पहला बात कि जितना स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए उतना नहीं किए, जितना ही रोड पर और बिजली पर ध्यान दिए हैं, थोड़ा बेरोजगार पर ध्यान देंगे ना तब बहुत बेहतर हो। हम हाँ बेरोजगार पर ध्यान देंगे जैया विकास आपसे आप होना शुरू हो जाएगा। मानते हैं कि बेरोजगारी है मोदी की वजह से? बेरोजगारी नहीं है, बाकी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, तुम 500 में कमा रहे हो, 1,000 रुपया में कमा रहे हो, इसको देखने वाला कोई नहीं है। छोटा छोटा बच्चा 12 घंटा 500 में काम करता है बिहार में, ये नहीं देखने वाला है। नहीं तो बेरोजगारी नहीं है, सरकार आपको आकर नहीं कहेगा कि हाँ जो आदमी काम करना चाहता है वो काम कर रहा है, भले हर स्टेट से 5,000 कम मिलता हो। अच्छा महंगाई पे क्या बोलेंगे? नहीं महंगा नहीं है, महंगाई नहीं है। मगर भैया जहिया 500 रुपया मिलता था, जहिया मतलब 300 रुपया चावल था, आज कोई आदमी 10 टका कमा रहा है तो महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है अंकल, महंगाई की वजह से बचेगा ही नहीं, 10 टका कमाएगा तो कुछ क्या बाबू? महंगाई है? यस है। हाँ। कैसे है महंगाई? कैसे खाना 50 रुपये प्लेट मिल रहा है, मछली चावल 80 रुपये, आगे दिन में 100-150 रुपये प्लेट चला जाएगा। अच्छा पापा अभी कितना कमाते हैं? पापा अभी कितना कमाते हैं? पापा हो गया 10-15 हजार रुपए कमाता है। बचता कितना है उसमें? बचता है 5-6 हजार रुपए बस। हाँ बताइए अंकल, आप बोलते हैं महंगाई नहीं है तो 15,000 में 5,000 बच रहा है। आप ही बोलिए, आप अभी महीना में कहीं 2,000 में काम करते होंगे, आज आपको 15,000 मिला है, तो महंगाई वो हिसाब से नहीं है? वो हिसाब से नहीं है महंगाई? आप बोलना चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है? हाँ। अच्छा तो बाबू कौन आएगा बिहार में? मोदी आना चाहिए। अभी तो तुम बोल रहे थे कि महंगाई है। कौन? वो रामलला बनाया है। अच्छा रामलला बनाया। हाँ। इसलिए आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। अच्छा क्या क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पहला बार ये बात करते हैं। आप कौन आधार पर कहते हैं कि दूसरा सरकार आएगा? सेंटर में कोई अच्छा सा नेता चुनाव लड़ ही नहीं रहा है तो आएगा कौन? बोलिए कांग्रेस के कौन सा नेता दिग्गज नेता चुनाव, सब तो मैदान छोड़ के भाग गया, राजसभा चोर दरवाजा सारा मेरा बंगला बच्चे।